वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके खासकर जो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार ये रिपीट हो चुके हैं प्रश्न, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बने रहिए मेरे साथ, डिस्कस करेंगे। 70+ ज़्यादा जो है ये प्रश्न है मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे आपको आसान लगे होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, ठीक है वो आप नोट कर लीजिएगा तो एक बार रिवीजन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड इन। क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली क्या होते हैं? रॉकेट इंजन होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। जो क्रायोजेनिक बेसिकली हम बोलते हैं, डेफिनेशन की मैं बात करूँ, इज अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं आप कह सकते हो लास्ट स्टेज होता है स्पेस लॉन्च व्हीकल का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। क्रायोजेनिक इंजन में जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है, जिन्हें हम ऑर्बिट में प्लेस करते हैं आजकल, आज के समय में आप जानते हैं अर्थ के ऑर्बिट में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट जो है घूम रही हैं, तो उनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या होता है? सोलर सेल। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। सोलर सेल क्या होता है? जो सीधा लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन से इफेक्ट की वजह से? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफी पुराना था, तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट की बात करता हूँ आपके साथ। 2018 का जो अभी है वो है IBM समिट, जिसकी स्पीड है 200 पेटाफ्लॉप्स, जिसकी लोकेशन है USA में है ये। और 2016 में था सनवे ताइहु लाइट, जिसकी स्पीड थी 93 पेटाफ्लॉप, चाइना का था ये, ठीक है, ये चाइना में था। तो अब जो है वो है IBM समिट, ये आप नाम नोट कर लीजिए लेटेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता? देखिए यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, ICSSR और DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एक डिपार्टमेंट आपका बचा है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द नेम ऑफ द ICBM डेवलप्ड बाय इंडिया विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर इज ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए आपने एक मिसाइल बनाई, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये अपने साथ अदर मिसाइल्स को कैरी करती है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन आप कह सकते हो, ठीक है, अदर मिसाइल्स को अपने साथ कैरी करती है और एस मिसाइल के जरिए, ठीक है, और जो वारहेड आपने इस मिसाइल पे ये लोड किए हैं, ठीक है, इनसे आप अलग अलग टारगेट को भेज सकते हो। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मिनिमम रेंज 3400 माइल्स की होती है, आप कह लीजिए 5000 किलोमीटर मिनिमम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो जो इंडिया ने टेस्ट किया वो है अग्नि 2, काफी पुराना प्रश्न है, तो लेटेस्ट वाली भी मैं आपको बता देता हूँ। अग्नि 5 2012 में टेस्ट की थी, अग्नि 6 जो कि 2017 में टेस्ट की थी, जिसकी रेंज थी 10,000 से 12,000 किलोमीटर की। और सूर्य मिसाइल की मैं बात करता हूँ, इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस बेस्ड सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल विद MIRV कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल रेंज जो इसकी है वो है 12,000 से 16,000 किलोमीटर की, ठीक है।
MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल, MIRV की ये फुल फॉर्म है, अलाउिंग अ सिंगल मिसाइल टू कैरी सेवरल वॉरहेड ईच ऑफ विच कैन स्ट्राइक अ डिफरेंट टारगेट, जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कब फाउंड किया गया था? वर्ष 1971 में। करंट में जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? पी कुन्ही कृष्ण, जिसे हम स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर को श्री हरिकोटा रेंज भी बोलते हैं। जिसको ऑपरेट कौन करता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। HAL इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एरोनॉटिक्स वर्ड आ गया तो ऑफ कोर्स जो है ऑप्शन बी है राइट आंसर, एयरक्राफ्ट। HAL लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज क्रेडिट विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी, तो कौन सी कंट्री को श्रेय जाता है यूरेनियम सिटी को एस्टेब्लिश करने का? तो ये श्रेय जाता है कनाडा को। ठीक है, पूरी की पूरी ब्रीफ है इसके बारे में, यूरेनियम सिटी के बारे में, आप चाहे तो जो है नेट से पढ़ सकते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कनाडा। नेक्स्ट है, द कमिटी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव आइडेंटिफाइड 5 न्यू साइट्स फॉर न्यूक्लियर पार्क्स, ऑफ दीज 5 विच साइट हैज बीन अलॉटेड टू अरीवा ऑफ फ्रांस। देखिए 2010 में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि जो फ्रांस है, जो जैतपुर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनेगा उसको अगले 25 सालों तक फ्यूल सप्लाई करेगा और उसके कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेगा। 2010 में ये हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, 6 दिसंबर 2010 को। यदि ये स्टेशन बनता है तो ये दुनिया का, मैं कहूँ, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा वर्ल्ड का बाय नेट इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस क्या है? फंगस है, बैक्टीरियम है, IC 7344 क्या है? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर वायरस एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, हमारी डाटा को करप्ट कर सकता है, हमारी जो जानकारी है वो लीक कर सकता है। तो जो वायरस है वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। If an apple is released from an orbiting spaceship, it will, देखिए जो ये अर्थ है इसका ऑर्बिट है, मान लीजिए इसमें कोई सैटेलाइट घूम रही है, ये सैटेलाइट जो है मान लीजिए कोई सेब रिलीज करती है, इसे छोड़ती है। अब आप जानते हैं स्पेस तो क्या है, वैक्यूम है, कोई हवा नहीं चलती, कुछ नहीं चलती, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है कि जो है इस पे सेब पे अप्लाई हो और इसकी डायरेक्शन चेंज हो या इसकी स्पीड चेंज हो, तो टोटली क्या है ऊपर, वैक्यूम है आप एक तरीके से कह सकते हो। तो ये सेब भी क्या करेगा, उसी स्पीड से ही मूव करेगा, मूव अलोंग विद स्पेसशिप एट सेम स्पीड, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो बनी होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाई, पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था? देखिए वैसे तो चार्ल्स बेबेज का नाम आता है, लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था, द इनियक नाम था उसका, इन्वेंट जिसे किया था जे प्रेस्पर ने, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकॉली ने, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसको बनाया गया था। 1943 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 1946 तक ये बनता रहा। ठीक है, 18,000 स्क्वेयर फीट का एरिया जो है इस कंप्यूटर ने कवर किया था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर थी और 50 टन जो है इसका कुल मिलाकर टोटल वजन था। चार्ल्स बेबेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट ओरिजिनेट किया था डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का।
नेक्स्ट है, मिनिचराइजेशन ऑफ अर्लियर कंप्यूटर टू प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ। मिनिचराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले जो स्मार्टफोन होते थे वो इतने बड़े होते थे, आजकल जो है स्मार्टफोन काफी हैवी होते थे वजन के, आजकल के जो स्मार्टफोन है हालांकि बिल्कुल पतले बिल्कुल स्लिम, ठीक है, इजी टू यूज है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये हुआ सारा का सारा मिनिचराइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। जो पुराने कंप्यूटर हैं यदि हम उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज करते हैं तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, मिनिचराइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया अभी। आजकल जो है पहले आप देखते हैं मॉनिटर जो है बड़े होते थे, आजकल जो है एलईडी आ गई है, ठीक है। तो ये से मिनिचराइजेशन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मिनिचराइजेशन इज अ ट्रेंड टू मैन्युफैक्चरेबल स्मॉल मैकेनिकल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन है मिनिचराइजेशन की, मैं आपको बता दी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसे यूज किया जाता है, तो जनरली जो यूज किया जाता है मैक्सिमम परसेंटेज वो ऑर्डिनरी वाटर होता है, फिर उसके बाद सॉलिड ग्रेफाइट 20% ऑफ रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, और 5% रिएक्टर्स में हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंफोटेक टर्मिनोलॉजी। इंफोटेक टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, प्रोटोकॉल लॉगिन आरके सभी यूज की जाती है, ऑल ऑफ द अबव आंसर डी है इसका। इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWW इज, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। मिसाइल अस्त्रा इज, लैंड टू लैंड मिसाइल है, लैंड टू एयर मिसाइल है। देखिए इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, ये क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न कब पूछे जाते हैं, मान लीजिए हाल ही में इंडिया ने कोई करंटली में नई मिसाइल जो है टेस्ट की है, ठीक है, और काफी वो चर्चा में रही मिसाइल, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर उसी मिसाइल का नाम रख के कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, लैंड टू एयर मिसाइल है, वाटर टू वाटर मिसाइल है, कोई किस टाइप की मिसाइल है, या फिर उसकी रेंज आपसे पूछ ली जाती है। तो ये इस टाइप के प्रश्न भी तैयार करने हैं आपको। तो जो अस्त्रा है इज एन ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। रशियन स्पेस क्राफ्ट इस्टेब्लिश्ड अ न्यू रिकॉर्ड बाय रीचिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन ओनली 6 hours, व्हाइल अर्लियर द स्पेस क्राफ्ट यूज्ड टू टेक 2 or more 3 days टू रीच द ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। विच इज दिस स्पेस क्राफ्ट, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बताना है जिसने ये कारनामा 6 घंटे में करके दिखा दिया, जिसको तय करने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। तो ये किया था सोयूज नाम था उस स्पेस क्राफ्ट का, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। देखिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस स्टेशन है, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसको आप बोल सकते हो, अर्थ के लो ऑर्बिट में इसको बनाया गया है, इवन आप नेक्ड आई से जो है इसको देख सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो इसका लॉन्च किया गया था वर्ष 1918 में, लास्ट जो कंपोनेंट लॉन्च किया गया था इसका वो 2011 में, 2028 तक ऐसा माना जाता है कि ये ऑपरेशन में रहेगा। अभी जो इसके नेक्स्ट कंपोनेंट छोड़े जाएंगे जो इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे वो 2018 और 2019 में किए जाएंगे। ISS इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी इन लो अर्थ ऑर्बिट, कैन ऑफन बी सीन विद नेक्ड आई इवन फ्रॉम अर्थ से भी आप इसको देख सकते हैं। व्हेन डिड इंडिया मेक फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन, कब किया था इंडिया ने पहला न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन, जो पहला न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन किया था वो 18 मई 1974 को किया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू अ सैटेलाइट इज नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है, अमेरिका में यदि कोई वेबसाइट है तो आप उसको जो है इंडिया में भी चला सकते हो, यदि वो लीगल है तो उसकी जानकारी आप जो है इंडिया में भी ले सकते हो। तो ये सारा का सारा किसकी बदौलत, इंटरनेट। विच वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू रोबोट्स, रोबोट से कौन सा सब्जेक्ट रिलेट नहीं करता है,
काइनेमेटिक्स से रिलेट करता है रोबोट से, साइबरमेटिक्स से रिलेट करता है मैकेनिक्स जो है रिलेट करता है रोबोट से, हाइड्रोलिक्स से रिलेट नहीं करता रोबोट से। हाइड्रोलिक्स डील विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेस सैटेलाइट, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेस सैटेलाइट नहीं है। SLV-3, SLV आपका कोई जो है स्पेस सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV की फुल फॉर्म है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो RST-1 है, IRS-1D है एंड INSAT-2D है आर ऑल सैटेलाइट। RST-1 इज अ रोहिणी सैटेलाइट, IRS-1D इज एन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और INSAT-2D है वो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वाइल जो SLV है वो क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इज नॉट अ सैटेलाइट। कॉस्मोस 2406 क्या है, मार्स प्रोजेक्ट ऑफ रशिया, मिलिट्री सैटेलाइट, पायलटलेस प्लेन या फिर सुपर कंप्यूटर। कॉस्मोस 2406 इज अ रशियन मिलिट्री सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च फ्रॉम बैकोनूर बाय जेनिट 2 रॉकेट ऑन 10 जून 2004। मॉडम इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एनालॉग सिग्नल इधर ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। देखिए जो मॉडम है जिसे मैंने अभी आपको बताया मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हम इसको बोलते हैं, डिवाइस दैट मॉड्यूलेट एन एनालॉग कैरियर सिग्नल टू एनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन और आल्सो डीमॉड्यूलेट सच कैरी सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज, एनालॉग सर्किट यूज किया जाता है, डिजिटल सर्किट यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल सर्किट। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में तो डिजिटल सर्किट का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, डिजिटल सर्किट। फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड की जाती है वो है 30 से लेके 300 MHz। नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग, नेटवर्क जो यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो किसकी मदद से आप उनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो पैकेट्स होते हैं आर द यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क, इनके जरिए इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है पैकेट्स के जरिए। ब्रिज जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। स्विच आर बेसिकली ब्रिज बट दे हैव मल्टीपल पोर्ट्स, उनमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं स्विच में। फिर बात करते हैं राउटर, राउटर्स फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे फॉरवर्ड डाटा डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क नॉट द हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी, नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी कैन बी कनेक्टेड बाय राउटर, राउटर। द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विद इन बजट, सॉफ्टवेयर विद बजट इन द गिवन शेड्यूल। बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाना बहुत बहुत पेचीदा काम है, इवन एक सिंगल डिजिट जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बाधा बन सकता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने में अक्सर क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, लेट होती है। और दूसरा जो यदि सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा एरर्स हैं तो सॉफ्टवेयर आपका रिलायबल नहीं होता, टिकता नहीं है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर विद इन बजट और उसको गिवन शेड्यूल के अंदर बनाना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम होता है, डी, सॉफ्टवेयर विद इन बजट इन द गिवन शेड्यूल। मोबाइल आईपी प्रोवाइड्स टू बेसिक फंक्शन, राउटर्स डिस्कवरी एंड रजिस्ट्रेशन, एजेंट डिस्कवरी एंड रजिस्ट्रेशन, आईपी बाइंडिंग एंड रजिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव।
मोबाइल आईपी प्रोवाइड्स टू बेसिक फंक्शन, वन इज एजेंट डिस्कवरी, सेकंड इज रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ द डिजाइन, नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, यूजर रिक्वायरमेंट। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। भाई जितने आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स कम होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा। बार बार आपको अपडेट करने की जरूरत, ठीक है, अपडेशन उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर लंबा चलेगा। यदि उसके अंदर जो है ज्यादा एरर है तो बार बार आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो रिलायबल नहीं होगा। दूसरा इसका आंसर हो सकता है, इस आंसर के बाद वो होता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, आप कह सकते हो, लेकिन आंसर बी के बाद। कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्लीट माइक्रो सिस्टम, कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। जो कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर मेनली एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, एमपीयू आप जिसे बोल सकते हैं, इंटरनल सेमीकंडक्टर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन एंड अ सिस्टम बस ऑल इन वन। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। Where does a computer add and compare data? तो कहाँ पर एक कंप्यूटर एड और डाटा को कंपेयर करता है, फ्लॉपी में, मेमोरी में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है ये सारे फंक्शन ऑपरेट होते हैं कंप्यूटर के द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप इज अ स्मॉल कंप्यूटर चिप, दिस इज वेयर द कंप्यूटर डज ऑल ऑफ इट्स मैथमेटिक ऑपरेशंस, एडिंग एंड कंपेयरिंग डाटा आर ऑल्सो परफॉर्म्ड हियर। Which of the following is not an e-commerce application? House banking, buying stock, conducting an auction, evaluating an employee. E-commerce business, e-application से आप क्या कर सकते हो? House banking, घर बैठे banking कर सकते हो, घर बैठे आप market में share खरीद सकते हो, घर बैठे आप किसी चीज की नीलामी कर सकते हो, ठीक है। But evaluating an employee is not an application of e-commerce. So option D है इसका right answer. इसको काफी आसान था ये प्रश्न। Next है which is सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम दैट एनेबल्स द डिटरमिनेशन ऑफ अ पर्सन्स पोजीशन। सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम कौन सा है जिसे आप पर्सन की पोजीशन का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं? वो है GPS, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी। Which of following waves are used for telecommunication? कौन सी वेव जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो वेव ऑप्शन की बात करूं तो इनमें से माइक्रोवेव यूज की जाती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स है प्रोबेबली द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन इन एन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में भी जो हम इसका यूज करते हैं फूड वगैरह कुक करने के लिए, ठीक है, उनको गर्म करने के लिए। लेकिन जो माइक्रोवेव्स aren't that different from रेडियो वेव्स, सो इसीलिए जो ये कम्युनिकेशन में भी यूज की जाती है, स्पेशली फॉर एक्सटेंडिंग टीवी सिग्नल्स टू लार्जर डिस्टेंस। इंफ्रारेड रेज होती हैं, कम आउट ऑफ रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल, रिमोट में कौन सी इंफ्रारेड वेव्स जो है यूज निकलती हैं। और बात करूं इंफ्रारेड वेव्स जो है हम यूज कर सकते हैं क्रिएट हीट सेंसिटिव एंड नाइट विजन कैमराज। द फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया वाज, पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया से कौन सा था? IRS P6, P4, IRS 1A, कैल्टोसेट। पहले की बात हो रही है तो IRS 1A वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग मिशन अंडरटेकन बाय इसरो। पहला IRS-1A था टू प्रोवाइड इमेजरी फॉर वेरियस लैंड बेस्ड एप्लीकेशन, जिसे लॉन्च किया गया था 17 मार्च 1988 को इन अ व्हीकल वोस्टेक व्हीकल में रशिया की सहायता से। फिर इसके बाद IRS P6 और कार्टोसेट 1, ये इसके बाद बने,
आई आर एस वन ए के, और जो पी फोर है, पी फोर एक नेचुरल सैटेलाइट है प्लूटो का। जीपीएस कैन बी अप्लाइड इन, जीपीएस कहाँ पे अप्लाइड कर सकते हो? आर्कियोलॉजी में ऑफकोर्स, कोई भी जो है साइट ढूंढने के लिए, किसी साइट को मार्क करने के लिए, या फिर आपने कोई साइट खोजी है उसको मार्क करने के लिए। ग्लेशियोलॉजी में ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर साइंस, सभी जगह पे आप जो है जो गिवन ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? जंक ईमेल आपने बताओ, स्पैम नाम का फोल्डर भी बना होता है हमारी ईमेल में, ठीक है, तो स्पैम भी इनको बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है, यदि एक मेल जो है हजारों रिसिप्टेंट को भेजी जाती है तो जनरली उसको स्पैम में इंक्लूड कर लिया जाता है। कई बार तो क्या होता है, आप स्पैम ईमेल पे क्लिक करते हो, जो आपकी जानकारी होती है वो फिशिंग वेबसाइट पे चली जाती है, या फिर जो है ऐसी वेबसाइट से, ऐसे होस्ट से आप जुड़ जाते हो जो मालवेयर को होस्ट करते हो, और आपका कंप्यूटर जो होता है वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे आपको बताना है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कोई भी कागज सबसे पहले हम रख के उसको स्कैन करते हैं, फिर वो किस में जाता है, कंप्यूटर में, डिजिटल फॉर्म में बनता है, तो इसलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज ऑन इंटरनेट इज, तो लेटेस्ट लैंग्वेज जो है वो है जावा, जो है यूज की जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, तो इनमें से जो लार्जेस्ट है वो है टेराबाइट। 1 किलोबाइट होता है 10^3 बाइट के, मेगाबाइट होता है 10^6 बाइट के, गीगाबाइट होता है 10^9 बाइट के, और टेराबाइट होता है 10^12 बाइट। वट इज मॉडम कनेक्टेड टू, मॉडम किससे कनेक्टेड होती है? प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटेड फोन लाइन से, कोई फोन लाइन से कनेक्ट होती है मॉडम? तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, इसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? फास्ट, फॉर्ट्रन, बेसिक, सी, तो इसमें से जो आपकी फास्ट है, फास्ट इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज, कंप्यूटर डाटा की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? देखिए, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो होती है बिट, लेकिन जो कंप्यूटर काम करता है वो बाइट्स पर ऑपरेट होता है, तो इसका आंसर होगा आपका बाइट, ऑप्शन ए, बाइट, ठीक है। कितनी बिट का एक बाइट होता है? 8 बिट का। अ बाइट यूजली द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इन अ कंप्यूटर, व्हाइल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। मोस्ट कंप्यूटर डोंट वर्क विद बिट्स इंडिविजुअली, बट इंस्टेड ग्रुप 8 बिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ बाइट। द टर्म बाइट was coined by Werner Bichols in 1956. Who is the inventor of computer language Java? Java के inventor कौन है? James Gosling, Mike Sheridan and Patrick Nogarton initiated the Java language project in June 1991. Java को पहले initially Oak कहा जाता था, फिर इसका नाम पड़ा ग्रीन, फिर जावा कॉफी। सन माइक्रो सिस्टम रिलीज द फर्स्ट पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन इज जावा इन 1956। तो जो सन माइक्रो सिस्टम, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, और 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2001 में लॉन्च किया गया था।
फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द नासा इज, नासा के द्वारा डेवलप्ड किया गया फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? प्लेयड्स, ब्लू जीन, परम, कोलंबिया। कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका नाम कोलंबिया रखा गया था इन ऑनर ऑफ क्रू जो स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर में मारे गए थे उनके नाम पर। ब्लू जीन वॉज डेवलप्ड बाय आईबीएम वाइल परम बाय इंडिया। ब्लू जीन को डेवलप किया आईबीएम ने और परम को बनाया इंडिया ने। प्लेयड्स जो है वो पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है जिसे नासा ने डेवलप किया है। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन बी। इंडिया हैज लॉन्च विच सैटेलाइट रिसेंटली? रिसेंटली इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? देखिए ये आपका प्रश्न 2014 के आसपास का है, तो लेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसरो ने अभी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 710 किलोग्राम के कैरटोसेट 2 सीरीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और उसके साथ 30 को पैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं 12 जनवरी 2018 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, जो अभी हम प्रश्न पूछ रहे थे उसका आंसर है जीएसएलवी D5 सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-14 ऑन 5 जनवरी 2014 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। प्रणव मिस्त्री इज अ नेम एसोसिएटेड विद। प्रणव मिस्त्री का नाम किससे जुड़ा है? ड्राइवरलेस कार से, कैंसर डायग्नोस्टिक किट से, सिक्स सेंस डिवाइस से, सोशल मीडिया ऐप से। प्रणव मिस्त्री का नाम जुड़ा है सिक्स सेंस डिवाइस से। सिक्स सेंस डिवाइस इज अ जेस्चरल इंटरफेस डिवाइस नेकबोन प्रोजेक्टर, ठीक है, नेक गर्दन पर पहना जाता है, दैट ऑगमेंट द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। विच प्लेनेट वॉज डिस्कवर्ड इन 2013 हैविंग अर्थ लाइक साइज? कैपलर 62f, कैपलर 23b, कैपलर बी, कैपलर 60। सो जो प्लेनेट का नाम है वो है कैपलर 62f। विच न्यू फैमिली ऑफ लेगलेस एम्फीबियन वॉज डिस्कवर्ड इन 2012? इसका आंसर है चिकलीडी, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। और इस रिसर्च को लीड किया था सत्यम्बनामा दास बिजू ने। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट फ्रॉम, कब शुरू की थी सब्सिडी फर्टिलाइजर के ऊपर? नवंबर 1, 1977, ऑप्शन सी। ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय? ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इंडिया में किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा वर्ष 1970 में, जो समय था किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड? राइस, बार्ले, वीट, बाजरा। जो हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया है वो है वीट का, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, वीट। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज? वाटर टेबल कहते हैं जैसे जो अंडरग्राउंड, मान लीजिए ये भूमि है हमारी, ठीक है, और यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो ये जो ऊपर की सतह है इसे वाटर टेबल बोला जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, इसकी डेप्थ को कौन मापता है? वेपेरियोमीटर, ओडोमीटर, लाइसीमीटर, पीजोमीटर। तो जो यूज किया जाता है वो होता है पीजियोमीटर, इज अ डिवाइस विच मेजर द प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट सो एज टू मेजर द वाटर टेबल इन ग्राउंड वाटर। स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू? स्टीवेंसन स्क्रीन आपकी रिलेट करती है वायरोलॉजी से, रिमोट सेंसिंग से, आर्गो एग्रो मिटियोरोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये आपकी रिलेट करती है एग्रो मिटियोरोलॉजी से,
ठीक है, एक प्रकार की स्क्रीन होती है जो इंस्ट्रूमेंट को कवर करके रखती है, जो इस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है मैच नहीं करता, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेंटिल्स आर सोन इन मिड अक्टूबर टू अर्ली दिसंबर इन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट है द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज, ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो वैसे तो पेरू है, ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। रिले क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है? रिले क्रॉपिंग होता है कि मान लीजिए ये आपका खेत है, इसमें पहले से ही आपने फसल बो रखी है, ठीक है, तो आप इस फसल के कटने का इंतजार नहीं करते, आप जो दूसरी फसल भी यहीं पर जो है बो देते हैं इसी में, इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन सी आप कह सकते हो, ग्रोइंग ऑफ फोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड एंड इन अ ईयर इन विच अ मैनर दैट द फ्लोइंग क्रॉप्स इज सोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप, ठीक है, उसके कटने से पहले जो है दूसरी क्रॉप आप बो देते हो। नेक्स्ट है जीनस ऑफ गोट इज, जीनस ऑफ गोट इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। इनमें से जो जीनस है गोट का वो है ऑविस। जीनस मतलब कि जो उस फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि लोमड़ी होती है फॉक्स, ठीक है, और जो डॉग होते हैं सेम फैमिली के जीनस है, ठीक है। तो यहां पर एनी ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इन टू विच अ फैमिली इज डिवाइडेड एंड विच कंटेन वन और मोर स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल वल्प्स फॉक्सिस इज अ जीनस ऑफ डॉग फैमिली। तो इसी तरह जो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, गोट का जो जीनस है वो है ओविस, ये आप इसकी तस्वीर दे सकते हो ओविस की। नेक्स्ट है स्प्लेनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर, स्प्लेनिक फीवर किसका नाम है, स्प्लेनिक फीवर अदर नेम है एंथ्रेक्स का, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। एंथ्रेक्स बेसिकली जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी डिजीज होती है, बट ह्यूमंस को भी जो है इफेक्ट करती है एंथ्रेक्स। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना वूल किन से मिलती है, कैटल से, यॉक से, शीप से, गोट से। पश्मीना वूल जो प्राप्त की जाती है गोट से, बकरी, ठीक है। पश्मीना रेफर टू द फाइन वूल एंड टेक्सटाइल मेड फ्रॉम वूल ऑब्टेन फ्रॉम द चंगथंगी, जो बकरी होती है उसे बोला जाता है चंगथंगी, और पश्मीना गोट, विच इज स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट इंडिजीनियस टू हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय इन नेपाल, पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स की बीमारी किसकी वजह से होती है। तो ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, काफी बार ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है रानीखेत इज अ डैश डिसीज, वायरल है, मेमाटोडे है, बैक्टीरियल है, फंगल है। रानीखेत डिसीज पक्षियों की होती है, जो बर्ड्स होते हैं उनकी। रानीखेत डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू कैसल डिसीज और डॉयल डिसीज, इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस एंड हाईली कॉन्टेजियस डिसीज ऑफ फॉल्स, इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस इन द सेरोटाइप एवियन, जो है वायरस के द्वारा ये होती है। ऑप्शन ए है राइट आंसर इस प्रश्न का। टोगेनबर्ग गोट इज अ नेटिव ऑफ, टोगेनबर्ग गोट किसकी नेटिव है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, यूएसए। स्विट्जरलैंड में एक वैली है टोगेनबर्ग, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है बकरी का, टोगेनबर्ग। सो ऑप्शन बी आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड। अगर वॉज डेवलप्ड फॉर ग्रोमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय, अगर अगर डेवलप किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था हेसे, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, जिनका पूरा नाम था वॉल्थर हेसे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डैश टाइम्स ऑफ द लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट क्लियरली, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है वो 10,000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होती है।
कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से 10,000 गुना ज्यादा। सो ऑप्शन डी आप कह सकते हो। मिल्कमैन पुट्स बनाना लीफ इन मिल्क जार बिकॉज बनाना लीफ गिव अ फ्रेश फ्लेवर टू मिल्क मेक्स द मिल्क एसिडिक एंड रेजिस्टेंट टू यीस्ट मेक्स द मिल्क बेसिक एंड रेजिस्टेंट टू यीस्ट इंक्रीज द वाइटनेस ऑफ मिल्क। जो केले का छिलका होता है उसमें ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है जो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और दूध को खट्टा होने से बचाता है। सो ऑप्शन सी कह सकते हो आप, मेक मिल्क बेसिक एंड रेजिस्टेंट टू यीस्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स इज पॉपुलरली ग्रोन अलोंग द रोड फॉर एब्जॉर्बिंग व्हीकुलर पॉल्यूटेंट। अलोंग द रोड जो होता है, जो व्हीकल्स के द्वारा पॉल्यूटेंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उस प्लांट का नाम बताना है। नीम है, नीरियम है, कैलोट्रोपिस है, बोगाना विलिए। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। यहाँ पर ये प्लांट देख सकते हो आप। इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है इचिंग, क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिटिक लैक्टिक मैलिक एसिड, ये सारे हम प्रश्न कर चुके हैं। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इचिंग होती है। व्हाई डू वी फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर अ टिन शेड ऑन सनी डे, ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं जो पत्ते होते हैं उनमें से लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो जो हीट आती है सूरज की वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है पत्तों के द्वारा, उनमें से ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से, तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी हमें महसूस नहीं होती किसके नीचे, पेड़ के नीचे, लेकिन टिन शेड में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप कह सकते हो ये आंसर है इसका ऑप्शन डी। बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे, कैसे फ्लाई करते हैं डार्क बैट्स अंधेरे में, डार्क में, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं जो उनको मदद करता है रास्ता बनाने में, रात के अंधेरे में देखने में मदद करता है। क्रू एंड पैसेंजर ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सफर जनरली फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ड्यू टू ऑफ द इफेक्ट ऑफ, जो क्रू एंड पैसेंजर होता है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज से इफेक्टेड होते हैं, ऐसा क्यों? ड्यू टू द लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन हवा के साथ जो ऑक्सीजन होती है उसमें मिक्स हो जाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है। एंडोसल्फान विच हैज बीन इन न्यूज दीज डे इज, ये पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, सल्फर ड्रग है, एंटीबायोटिक है। एंडोसल्फान इज ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है विच इज यूज ऑन प्लांट एंड इंसेक्ट। एंडोसल्फान बिकम अ हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल एग्री केमिकल ड्यू टू इट्स एक्यूट टॉक्सिसिटी एंड पोटेंशियल फॉर बायो एक्यूमुलेशन। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, एंडोसल्फान पेस्टिसाइड। कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ऑनियन ब्रिंग्स टीयर टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, देखिए जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इस टाइप के जो पौधे होते हैं, आप जानते हैं अर्थ के अंदर जो है सल्फर मौजूद होता है, इस टाइप के जो पौधे होते हैं ये अर्थ से जो है सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से जब आप प्याज को काटते हो तो आपकी आंखों में आंसू निकलते हैं। अमीनो एसिड्स इन द सेल, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। सल्फोक्साइड, कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ऑनियन ब्रिंग्स टीयर्स टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द सेल। ऑनियंस आर द पार्ट ऑफ जीनस एलियम अलोंग विद गार्लिक चीव्स लीक्स एंड अबाउट 400 अदर क्यूजिन्स। दीज वेजिटेबल्स एब्जॉर्ब सल्फर फ्रॉम अर्थ विच इन टर्न फ्रॉम फॉर्म अ क्लास ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड सल्फोक्साइड। तो ये टोटल 76 प्रश्न थे, हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
कोई भी करेक्शन यदि बनती है तो वीडियो में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।